हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना पी ब्लॉक का डिस्कशन। हम लोग बोरॉन फैमिली डिस्कस कर रहे हैं। तो बोरॉन फैमिली का सेकंड एलिमेंट जो आता है, दैट इज़ अल्यूमिनियम। दिस इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अकरंस देख लो, अल्यूमिनियम का अकरंस कैसा होता है। तो अल्यूमिनियम जो सबसे कॉमन ओर होता है अल्यूमिनियम का, दैट इज़ अ बक्साइट ओर। तो ये तुम ध्यान में रख लो। सो बक्साइट इज़ बेसिकली अल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट। ओके, बड़ा आसान है इसको याद रखना, बक्साइट ओर को, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर में कोड किया है इसको। सो इट इज़ अलूमिना डाइहाइड्रेट Al2O3 2H2O, दैट इज़ अ बक्साइट ओर। और इसी ओर को हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अलूमिनियम। ठीक है ना, अलूमिनियम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इसी ओर से किया जाता है। सेकेंड ओर होता है अलूमिनियम का, दैट इज़ क्रेओलाइट। ओके, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ओर, वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन। बक्साइट में हम लोग थोड़ा बहुत क्रेओलाइट डालते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। बट इसको हम यूज़ करते हैं सो दैट अपना जो बक्साइट ओर से अपन जो अल्यूमिनियम निकाल रहे हैं वो उसका यील्ड ज़्यादा मिले अपने को। और थर्ड ओर है कोरंडम, विच इज़ बेसिकली अनहाइड्रस अलूमिना Al2O3। ओके, दिस इज़ नथिंग बट सैंड। ओके, सैंड। अब सैंड को अपन जनरली सिलिका बोलते हैं, SiO2, बट दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड। इसको कोरंडम एक जनरल नाम दिया है। ऑलराइट, इट्स अ टाइप ऑफ सैंड जिसमें रादर देन यूजिंग सिलिका वी आर यूजिंग अलूमिना और शोइंग अलूमिना। ठीक है ना, सो दिस इज Al2O3 विच इज कोरंडम। Another point I would like to actually mention is that don't confuse corundum with carborundum. Carborundum होता है silicon carbide. Okay, ये abrasive metal होता है, इसको अपन discuss करेंगे silicon family में carborundum. Corundum is alumina. Okay, तो अब अपन देखते हैं extraction of alumina. Alumina को किस तरह से extract किया जाता है, इसके दो सबसे common method है वही अपन discuss कर रहे हैं. Okay, वैसे तो काफ़ी सारे methods है but जो सबसे कॉमन मेथड है दो वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड। और इसमें हम यूज़ करते हैं क्रेओलाइट, फ्लोरोस्पार, ओके, या फ्लोरोस्पार, और अलुमिना हम यूज़ करते हैं, इससे अपन अल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, सो मेन इंग्रेडिएंट जो है इसमें जिससे अपन अल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, दैट इज़ अल्यूमिना। ठीक है, ये जो अल्यूमिना है ये बक्साइट से आ रहा है और ये हम लोग उसमें ऐड करते हैं ताकि हमारी जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो ज़्यादा अच्छे से हो। इसके लिए हम ऐड करते हैं, इनके पर्पसेस मैं थोड़ी देर में बता दूंगा जब अपन इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस वो यूज़ कर रहे हैं उसमें जो ओर यूज़ कर रहे हैं अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम के लिए, दैट इज़ अ बक्साइट ओर। और इसमें हम बक्साइट बोले तो अल्यूमिना हो गया, इससे हम अल्यूमिनियम निकालते हैं। ओके, तो देखो क्रेओलाइट और फ्लोरोस्पार ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन अलुमिना। हम क्रेओलाइट और फ्लोरोस्पार इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो मेल्टिंग पॉइंट हो, जो मेल्ट बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। ठीक है, क्रेओलाइट से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और फ्लोरोस्पार से कंडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, तो फ्लोरोस्पार से कंडक्टिविटी बढ़ती है और क्रेओलाइट से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा ये दोनों बक्साइट के इसमें डालते हैं और इसको पूरे मिक्सचर को हम मेल्ट करते हैं। इसमें किसी भी तरह का पानी यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि अल्यूमिनियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। ओके, सो वी कैनॉट यूज़ वाटर इन दिस पर्टिकुलर केस, इसलिए मोल्टन अल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, तो जब हम ये करते हैं मोल्टन अल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस, तो अल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड एट कैथोड। कैथोड पे अपने को अल्यूमिनियम मिलेगा और ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। तो इसकी मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ तुमको, देखो। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अल्यूमिना। जो सेल है उस सेल का नाम होता है हॉल हेराल्ड सेल या हॉल हेराल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। तो ये है, दिस इज एक्चुअली हॉल हेराल्ड सेल। तो ये सेल का डिज़ाइन देख लो किस तरह से। तो सबसे पहले जो आउटर जैकेट होता है, विच इज़ दिस,
ये जो आउटर जैकेट होता है ये स्टील से बना होता है, दिस इज इनफैक्ट रीइंफोर्स्ड स्टील। तो ये पूरा जो आउटर जैकेट है दैट इज मेड अप ऑफ स्टील। और इस जैकेट के अंदर यहाँ पे देर इज अ ग्रेफाइट डिपोजिशन, ओके। और ये जो ग्रेफाइट लेयर होती है अंदर से, उसको हम कैथोड बनाते हैं, ओके। सो बाहर से स्टील से रीइंफोर्स किया है और अंदर से उसको अपन ने ग्रेफाइट से कोट किया है, और इस ग्रेफाइट को हमने इलेक्ट्रोड लगा के इसको कैथोड इलेक्ट्रोड बना दिया है, ओके। नेक्स्ट चीज जो एनोड होते हैं, वो भी ग्रेफाइट के एनोड होते हैं। देखो किस तरह से कनेक्ट किए हैं एनोड, ओके। तो ये ग्रेफाइट के एनोड्स है, ओके। और ये पूरे सेल में हम लोग अलुमिना डिजॉल्व करते हैं, मतलब मोल्टन अलुमिना लेते हैं, मोल्टन अलुमिना Al2O3। तो मोल्टन अलुमिना के लिए जो ओर यूज़ करते हैं अपन, बेसिकली बक्साइट ओर ही यूज़ करते हैं। उसको हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा एंड व्हाट यू गेट इज़ बेसिकली अ मोल्टन Al2O3। एट द सेम टाइम इसमें अपन क्रेओलाइट और फ्लोरोस्पार ये दोनों ऐड करते हैं, ओके। क्रेओलाइट यहाँ पे दिखाया हुआ है, फ्लोरोस्पार नहीं दिखाया है, बट फ्लोरोस्पार भी इस CaF2 और क्रेओलाइट Na3AlF6, ठीक है। तो अलुमिना ऐड किया, क्रेओलाइट ऐड किया और फ्लोरोस्पार ऐड किया, और इस तरह से जो मिक्सचर है इसको अपन मेल्ट कर रहे हैं, मोल्टन स्टेट में लेके जा रहे हैं। देखो जो क्रेओलाइट है इससे जो मेल्टिंग टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर जो है दैट इज़ नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस, सो 950 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस इसको अपन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर क्रेओलाइट नहीं डालते तो ये टेम्परेचर और भी ज़्यादा लगता, ओके। अब देखो जो मोल्ट बना है अलुमिना और क्रेओलाइट का, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ओके। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फ्लोरोस्पार ऐड करते हैं थोड़ा सा, जिससे इस मोल्टन मास की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी बढ़ने से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो ज़्यादा इफ़िशियंटली होगा। तो यहाँ पे जो कैथोड है वो स्टील के इनर लाइनिंग में है, दैट इज़ अ ग्रेफाइट। एनोड दैट इज ऑल्सो ग्रेफाइट। तो कैथोड और एनोड यहाँ पे दोनों ग्रेफाइट ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ओके। और देखो यहाँ पे रिएक्शन होती है, जो अलुमिना है Al2O3, ठीक है, इससे अलुमिनियम जो आयन है वो Al3+ आयन में आएंगे, और ये जो है देखो अलुमिनियम आयन्स जो रहेंगे इस मेल्ट में, ये कैथोड के तरफ जाएंगे, ओके। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे, कैथोड पे रिडक्शन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अपने को अलुमिनियम मिलेगा। अब ये जो अलुमिनियम है दैट इज़ इन अ लिक्विड स्टेट, दैट इज़ इन अ मोल्टन स्टेट, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अलुमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये जो तुमको दिख रहा है नीचे, दैट इज़ नथिंग बट मोल्टन अलुमिना, ओके। और इसको या तो नीचे से निकाला जाता है या ऊपर से साइफन करके निकाला जाता है, आइदर वे अलुमिनियम जो मोल्टन स्टेट में है उसको अपन निकाल रहे हैं यहाँ से, ओके। एट द सेम टाइम ये जो ऑक्सीजन है ये एनोड पे लिबरेट होता है एज O2, ओके, एज O2। इसका जो पूरा रिएक्शंस है ये अपन देखने ही वाले, वी हैव एन एक्सट्रैक्शन मेथड्स फॉर अलुमिना, उसमें अपने को ये पूरा प्रोसेस डिटेल में आता है। अभी उसको अपन उतना डिटेल में इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अपना इलेक्ट्रोलिसिस भी चैप्टर बाकी है, सो कोई मतलब नहीं बनता है इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करने का। बट यू नो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, जो अलुमिना है उसके जो अलुमिनियम आयन्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं एट कैथोड, और वी गेट अलुमिनियम मेटल इन अ लिक्विड स्टेट, और इसको अपन यहाँ से निकाल रहे हैं। जो बचा हुआ ऑक्सीजन है दैट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू O2 गैस, और वो कैथोड पे यहाँ पे लिबरेट हो रहा है, एनोड पे लिबरेट हो रहा है ऑक्सीजन, ओके। सो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस एक्चुअली वर्क्स। तो इस तरह से अपन अलुमिनियम निकालते हैं। ध्यान में रखना, वी कैनॉट यूज़ वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अलुमिना वाया इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि वाटर के साथ अलुमिनियम रिएक्ट होगा और हमको फिर से ऑक्साइड ही मिलेगा, ओके, विच इज़ आवर स्टार्टिंग मटेरियल, इज़न्ट इट? अलुमिनियम ऑक्साइड ही मिलेगा, तो अलुमिनियम ऑक्साइड से अलुमिनियम बना रहे और फिर वो कन्वर्ट हो रहा है अलुमिनियम ऑक्साइड में, दैट बिकम्स ए यूजलेस प्रोसेस। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा केयर लेना पड़ता है कि देर इज़ नो वाटर, ऑब्वियसली एट दिस टेम्परेचर देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी वाटर, इसीलिए अपन मोल्टन स्टेट में इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अनदर पॉइंट यू माइट वॉन्ट रिमेंबर इज व्हाई वी यूज़ क्रेओलाइट एंड फ्लोरोस्पार। क्रेओलाइट हम यूज़ कर रहे हैं ताकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, ओके, मोल्टन मास का,
और क्रेओलाइट सॉरी फ्लोरोस्पार इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ज़्यादा अच्छे से हो। जो सेकंड मेथड है अलूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने की वो है बेयर्स प्रोसेस। ओके, बेयर्स प्रोसेस में भी अपन बॉक्साइट ओर ही यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। सो यहाँ पे बॉक्साइट ओर इज़ द मेन जिससे अपन अलूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये केमिकल मेथड है। ओके, इट्स अ केमिकल मेथड, केमिकली अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अलूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। तो इसको स्टेजेस में किया जाता है, इट्स एक्चुअली डन इन 3 स्टेज। पहला स्टेज होता है, लेट्स कॉल दिस इज अ फर्स्ट स्टेज, कि हम लोग बॉक्साइट ओर लिए और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किए। ओके, तो अब देखो अल्यूमिनियम जो है दैट इज़ अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इजंट इट? तो ये NaOH के साथ भी रिएक्ट होगा और HCl के साथ भी रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे अपन NaOH यूज़ कर रहे हैं। जब अल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो वो रिएक्ट हो जाएगा NaOH के साथ और हमको एक सॉल्ट मिलता है, इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स, इसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्सी अल्यूमिनेट। ये जो सॉल्ट है दैट इज़ एक्चुअली सोल्यूबल इन द सोल्यूशन। ओके, ये सोल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज़ रहती है, जो बॉक्साइट ओर हम ले रहे हैं उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ है, दीज इम्प्यूरिटीज़ आर नॉट सोल्यूबल। ओके, तो वो उसी तरह से उसमें सेटल हो जाएगी। तो इसमें जो मेन इम्प्यूरिटी होती है दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड की इम्प्यूरिटी होती है और फेरिक ऑक्साइड इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ NaOH, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड इट्सेल्फ इज़ स्लाइटली बेसिक ऑक्साइड, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं होगा एंड इट विल जस्ट सेटल डाउन एज रेड मड। ओके, फेरिक ऑक्साइड का रेड कलर होता है, इट्स बेसिकली रस्ट, रिमेंबर? तो ये रेड मड करके नीचे सेटल हो जाएगा। सो दैट इज़ फाइन। जो हमारा अल्यूमिनियम का ऑक्साइड था वो रिएक्ट हो गया और हमको सोडियम हाइड्रोक्सी अल्यूमिनेट या सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्यूमिनेट, ये सोल्यूबल मिल गया। ओके, अब हम फिल्टर कर लेंगे और उसमें से रेड मड को सेपरेट कर लेंगे, तो जो सोल्यूशन रहेगा हमारा या जो फिल्ट्रेट रहेगा उसमें हमको ये अल्यूमिनियम का सॉल्ट मिलेगा। ओके, अब इसमें से मेरे को अल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, इजंट? इस तरह से मैंने क्या कर दिया कि अल्यूमिनियम वाला जो पार्ट था और जो इम्प्यूरिटी वाला जो पार्ट था उसको सेपरेट कर दिया। ओके, अब मेरे पास जो सॉल्यूशन बचा रहेगा उसमें मोस्टली ये सोडियम हाइड्रोक्सी अल्यूमिनेट ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, दिस इज माई सेकेंड स्टेप, इसमें इस सॉल्ट को मैं HCl के साथ एसिडिफाई करता हूँ। देखो ये सॉल्ट ले लिया सोडियम हाइड्रोक्सी अल्यूमिनेट, यहाँ पे Na मैंने दिखाया नहीं है, एंड इट इज़ रिएक्टेड विद HCl सम एसिडिक सोल्यूशन और हमको मिलेगा अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी सोल्यूशन में कम होती है तो इसके वजह से ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा, दिस इज PP। अब इसको मैं फिर से फिल्टर कर लूँगा और अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉलिड था वो ले लूँगा और इसको मैं अभी सिंपली हीट करूँगा। देखो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सिंपली हीट करने से मेरे को अल्यूमिना मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से मैं अल्यूमिना एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब ये अल्यूमिना जो मिल रहा है मेरे को, इसमें से आई कैन यूज़ इलेक्ट्रोलिसिस और इसमें से मैं अल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करूँगा। ओके, तो इस तरह से देखो दो प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, दिस आर बेसिकली पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस। तो अगर जैसे इफ़ यू टॉकिंग अबाउट बेयर्स प्रोसेस, तो बेयर प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि जो अपना बॉक्साइट ओर था उसको अपन प्योरीफाई कर रहे हैं और उससे अपने को अल्यूमिना मिल रहा है और अल्यूमिना से अपन अल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस और देर आर ऑल्सो अदर प्रोसेस, बाकी भी प्रोसेसेस है तो उससे अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और आई कैन, इफ आई हैव अल्यूमिना, ओके, इन द प्योरली प्योर फॉर्म में अगर अल्यूमिना है या बॉक्साइट ओर है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, तो आई कैन एक्चुअली डायरेक्टली डू द इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो इस तरह से अपन अल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्यूमिनियम। देखो अल्यूमिनियम इज एक्चुअली मोर रिएक्टिव देन बोरॉन, लेकिन ये स्टेबल होता है इन वाटर एंड इन एयर। ओके, उसके पीछे कारण भी है, रिमेंबर अल्यूमिनियम डज रिएक्ट विथ एयर एंड ऑक्सीजन, लेकिन इट एक्चुअली फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर दैट मेक्स इट पैसिव। ओके, तो अल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाने से इट बिकम्स पैसिव, इट बिकम्स अनरिएक्टिव एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी से दैट इट इज़ मोर स्टेबल इन वाटर एंड इन एयर, बट इट इज़ एक्चुअली मोर रिएक्टिव दैन बोरॉन। अंडरस्टूड है? ओके, तो ये हमने देखा कि अल्यूमिनियम जो है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्स दिस अल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर विथ HNO3, तो इसीलिए हमने ये भी बोला था कि वी कैन एक्चुअली स्टोर HNO3 नाइट्रिक एसिड इन अल्यूमिनियम वेसल। ओके, क्योंकि अंदर से उसकी ऑक्साइड लेयर बन जाएगी, उससे वो पैसिव हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, सो वी कैन यूज़ अ अल्यूमिनियम कंटेनर फॉर स्टोरिंग HNO3।
नेक्स्ट चीज ध्यान में रखो कि जो एनोडाइजिंग है दैट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस वेयर ऑक्साइड लेयर डिलिबरेटली ऐड की जाती है या फॉर्म की जाती है ऑन द सर्फेस ऑफ अल्यूमिनियम, ओके, टू मेक इट पैसिव. तो ये जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल वी यूज यूटेंसिल्स ऑफ अल्यूमिनियम, तो अल्यूमिनियम के जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उसमें जो भी अल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं, वेदर इट बी अल्यूमिनियम फॉयल या अल्यूमिनियम के बर्तन, तो उसके ऊपर एनोडाइज किया जाता है ऑक्साइड लेयर. तो एक ऑक्साइड लेयर ऑलरेडी फॉर्म होके आता है, इट बिकम्स अनरिएक्टिव, ओके, इट बिकम्स इनर्ट, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई वी कैन यूज अल्यूमिनियम इन यूटेंसिल्स और इन अल्यूमिनियम फॉयल. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एनोडाइजिंग इज. ओके, ये डिलिबरेट एडिशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ अल्यूमिना है, एंड दिस इज डन बाय मेकिंग अल्यूमिनियम एज अ एनोड एंड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसमें यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4, तो इससे ऑक्सीडेशन होता है एनोड का. राइट, रिमेंबर ऑक्सीडेशन एकर्स एट एनोड, और इसके ऊपर जो ऑक्साइड अल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है वो वहीं पर रहता है, एंड इट फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड जो अपने को दिखती भी नहीं है. बेसिकली इट रिटेन्स दैट अल्यूमिनियम का लस्टर या मेटालिक जो प्रॉपर्टीज होती है उससे रिटेन होती है, बट इट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट बिकम्स अनरिएक्टिव सो दैट वी कैन यूज इट इन अवर एवरीडे लाइफ. ओके, द नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ अल्यूमिनियम ऑक्सीजन. ओके, जो रिएक्शन होती है दैट इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन करके बोलते हैं. ये तुमने मेरे ख्याल से 10th में भी पढ़ी होगी, थर्माइट रिएक्शन. अल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है अल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है. तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है, और ये जो एनर्जी लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट लिबरेट होती है, इसको अपन यूज़ करते हैं इन व्हाट इज कॉल्ड एज थर्माइट प्रोसेस. ओके, ये वेल्डिंग में अपन यूज़ करते हैं, तो ये मैं तुमको यूजेस में दिखा दूंगा अल्यूमिनियम के. ओके, देखते हैं यूजेस ऑफ अल्यूमिनियम. अल्यूमिनियम देखो इट इज़ चीप, इट इज़ लाइट मेटल, एंड इट इज़ लार्जली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, ट्रेज, फ्रेम्स. ओके, बॉडी फ्रेम्स जो होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, तो वो बनाने में हम लोग अल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर अपने लैपटॉप अगर आप देखो, तो पहले तो जो लैपटॉप की जो फ्रेम्स आती थी, बॉडी आती थी, दैट वाज एक्चुअली मेड फ्रॉम अल्यूमिनियम. ओके, आजकल अभी प्लास्टिक में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, बट बिफोर मोस्टली इट वॉज यूज टू मेक अल्यूमिनियम फ्रेम्स. उसी तरह से ऑटोमोबाइल की बॉडीज, एयरक्राफ्ट, रूफिंग, ये सारे मटेरियल्स भी अल्यूमिनियम के शीट से बनते हैं. ओके, थिन फॉइल्स हम लोग यूज़ करते हैं एज अ अल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं फूड रैपिंग मटेरियल में, सोप रैप्स में, सिगरेट रैप्स में, या कन्फेक्शरीज में हम लोग थिन अल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं. जनरल यूजेस है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, सिर्फ ध्यान में रखना है, दैट्स ऑल, बिकॉज हम लोग इसको देखते ही है, सो यू जस्ट यू नो इट, दैट्स ऑल. ओके, अल्यूमिनियम वायर हम ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ करते हैं. ओके, कॉपर वायर होते हैं, अल्यूमिनियम वायर होते हैं, तो ये भी यूज़ करते हैं. इसके कॉइल्स यूज़ करते हैं डायनामोज और मोटर्स में, तो इसके भी यूज़ होते हैं. हालांकि अल्यूमिनियम कॉइल्स आर नॉट दैट पॉपुलर एज कम्पेयर टू लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉपर वायर्स, बट एनीवे दे आर यूज्ड, और कॉपर वायर इज़ एक्चुअली प्रिफर्ड क्योंकि कॉपर वायर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है. इट इज़ यूज इन मेकिंग सिल्वरी पेंट्स फॉर कवरिंग आयरन एंड अदर मटेरियल. देखो आयरन जो है इट रस्ट, तो रस्टिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम. अगर मैं आयरन के ऊपर अल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ा दूँ, इसके मेरे तो दो बेनिफिट है. एक तो ये कि आयरन सिल्वर के जैसा दिखेगा, ओके, इसका एक सिल्वरी मेटालिक लस्टर रहेगा इसका. दूसरा ये कि अल्यूमिनियम जब रस्ट होता है तो इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है, और ये ऑक्साइड की लेयर वहीं पर रहती है, ये गिरती नहीं है. जब आयरन ऑक्साइड होता है तो उसका जो रस्ट होता है वो नीचे गिरता है, इजंट इट, और इसकी तरह से जो नया आयरन है या अंदर का जो आयरन है इट गेट्स एक्सपोज टू एयर, इसकी वजह से रस्टिंग कंटिन्यूसली होते रहता है आयरन का. अल्यूमिनियम के केस में रस्टिंग सिर्फ ऊपर के लेयर का होगा, वो लेयर वहीं पे रहती है, तो अंदर की लेयर रस्ट नहीं होती. ओके, सो दैट्स व्हाई दो चीज़ें हो रही है, एक तो डेकोरेटिव पीसेस में इसको यूज़ करते हैं अपन, और दूसरा इसका रस्टिंग नहीं हो रहा है. नेक्स्ट जो यूज़ होता है एल्यूमिनियम का, दैट इज़ इन अ थर्माइट प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम, मैग्नीशियम. इसमें अपन यूज़ करते हैं थर्माइट प्रोसेस, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम की जो एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई, तो ये एज अ इम्प्योरिटी करके अगर एल्यूमिनियम प्रेजेंट इट विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम इट. लेकिन सबसे मेजर जो यूज़ होता है इसका, दैट इज़ इन वेल्डिंग. थर्माइट प्रोसेस का जो मेजर यूज़ होता है, दिस इज़ अ पायरोटेक्निक प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग. तो इसका सबसे मेजर यूज़ होता है थर्माइट प्रोसेस का. तो थर्माइट प्रोसेस में व्हाट वी डू इज़ वी टेक मेटल पाउडर, सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल एंड मेटल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल ऑक्साइड यूज़ करते हैं. तो मेटल पाउडर यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं अल्यूमिनियम, आयरन, इस तरह के मेटल पाउडर इसमें यूज़ करते हैं. एंड मेटल ऑक्साइड में से फॉर एग्जांपल अल्यूमिना, Al2O3, ये यूज़ करेंगे यहाँ पे.
तो इसका मिक्सचर लेंगे और इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के वजह से जो ऑक्सीडेशन है इन एलिमेंट्स का दैट हैपन्स. एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन इज़ वेरी एक्सोथर्मिक, ओके, एक्सोथर्मिक होता है, और इससे ये जो पूरा मेल्ट है ये मेल्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेल्ट यहाँ पे डाल दिया है, ओके, जैसे ये रेल की पट्टी है और बीच में क्रैक गिरा था, तो उसको थोड़ा सा कट कर लेंगे पहले तो, और उसमें फिर ये जो मेल्ट है ये पूरे के पूरा मेल्ट इसमें डाल देंगे, ओके, एंड देन इट विल रिमूव द एक्सेस ऑफ वॉट एवर इट इज़, इसको घस घिस पिस के. सो वॉट विल गेट इज़ ए कंटिन्यूस मेटल एसेंशियली. वी कैनॉट डू वेल्डिंग यहाँ पे, अपना जो रेगुलर वेल्डिंग होता है वो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज द वाइब्रेशन दैट वेल्डिंग विल ब्रेक, ओके. सो वी नीड अ कंटिन्यूस मेटल स्ट्रिप, वो अपन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको कट करके इसमें गैप में पूरा जो मोल्टन मास है वो डाल देते हैं. तो मोल्टन मास जो है ये पूरा इसको पकड़ लेगा, ओके, इट बिकम्स अ कंटिन्यूस स्ट्रिप, क्लियर है. तो इस तरह से अपन थर्माइट प्रोसेस को वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, अंडरस्टूड है. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ थर्माइट प्रोसेस. ये यूज़ मैंने ऑलरेडी भी तुमको बताया है कि एल्यूमिनियम इज़ नॉट अटैक्ड बाय नाइट्रिक एसिड, सो हम लोग नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं. कोरंडम मैंने तुमको बताया कि इट इज़ अ इंडस्ट्रियल अब्रेसिव. कोरंडम इज़ अ अल्यूमिना, इट्स अ सैंड बेसिकली, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको एज अ अब्रेसिव करके यूज़ करते हैं. रिफ्रैक्टरीज में यूज़ करते हैं. रिफ्रैक्टरीज बोले तो जैसे भट्टी जो होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अपने को गेन करना पड़ता है, तो उसके अंदर में इसके वॉल में ये कोरंडम लगाया जाता है सो दैट द टेम्परेचर कैन रीच वेरी हाई विदाउट एक्चुअली मेल्टिंग, ओके, क्योंकि इसका कोरंडम का जो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर दैट इज़ वेरी हाई, ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू आर फाइंडिंग दीज एप्लीकेशंस. इसके अब्रेसिव करके यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल, इसमें फैक्ट्रीज में, रिफ्रैक्टरीज में यूज़ करते हैं टू बिल्ड दिस, यू नो द किल्न जिसको बोलते हैं वो बिल्ड करने में इसको यूज़ करते हैं. एंड देन सिरामिक्स में भी यूज़ करते हैं इसको, ओके, सिरामिक के जो बर्तन होते हैं उसमें एलुमिना यूज़ किया जाता है. Remember the reason for that, for these uses of corundum is basically because of the high melting point of Al2O3 and its hardness. So very hard. It's basically a sand, isn't it? That's why we use it. Aluminium ka oxygen ko leke bahut zyada affinity hai. That's why it is used as a good reducing agent. Remember, aluminium is getting oxidized. Isliye aluminium can be used as a reducing agent for various different metals. Okay? तो इसमें extraction of different metals. अगर मेरे को किसी metal का oxide अगर है और उसमें से वो metal को extract करना है तो मैं इसको aluminium के presence में heat करूँगा. Aluminium उस metal से oxide निकाल लेगा और वो जो metal है वो reduce हो जाएगा and we'll get that metal. ओके, अदर देन दैट, सो इसके दो यूजेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड वेल्डिंग, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं. एल्यूमिनियम इज अ वेरी लाइट मेटल, इजंट इट वेरी लाइट, इट इज, इट हैज़ अ गुड कंडक्टिविटी एंड इट डज नॉट अंडरगो करोजन. देखो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि एल्यूमिनियम डज अंडरगो ऑक्सीडेशन, लेकिन इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनती है दैट मेक्स इट पैसिव. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज रेजिस्टेंट टू करोजन. Okay, so that's why it is used in making various different alloys. There are various applications of this aluminium metal in various industries and so on and so forth. So ye jo points hai ye thoda sa ek bar agar dekh lete ho to you should be able to retain it. Okay, it's not that difficult to remember these points. Next apan dekh rahe hai various different alloys of aluminium. Remember, aluminium is a very good material to make alloys. Okay, iske reasons apan ne dekhe, it is very light actually. It is resistant to corrosion, isn't it? तो ये जो properties है that makes it a very good candidate to make alloys. तो इसके कुछ alloys है जो बहुत ज़्यादा use किए जाते हैं और इसमें से काफ़ी सारे alloys बनते हैं, लेकिन जो कुछ है वही मैं बताऊँगा, इसी के ऊपर focus करना है तुमको. तो magnesium, okay? Magnesium के नाम से ही तुमको पता चल रहा है कि it has aluminium and magnesium. Magnesium 5% है इसमें, okay? So इसको अपन बोल रहे हैं magnesium. Most of it is just aluminium. थोड़ा सा इसमें 5% अपन ने मैग्नीशियम डाला है, ओके. तो ये जो है इट इज़ वेरी टफ मटेरियल, इट्स वेरी लाइट, क्योंकि एल्यूमिनियम रहने की वजह से इट्स वेरी लाइट एंड इट्स वेरी टफ, इट डज नॉट अंडरगो करोजन, ओके. सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर शिप्स, बैलेंसेज जो होते हैं अपन जो वेज यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, पिस्टन्स ऑफ मोटर इंजिन्स, ओके. रिमेंबर, पिस्टन्स ऑफ मोटर इंजिन जो होते हैं दे आर वेरी, दे नीड टू बी वेरी टफ, ओके. तो उसके लिए मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज ड्यूरालिनियम, ओके, या ड्यूरालुमिन बोलते हैं इसको, ड्यूरालुमिन या ड्यूरा अल्यूमिनियम,
okay, it's up to you. So common name is because the Duralumin is a brand name of this aluminium, okay, or alloy. तो इसमें aluminium use कर रहे हैं अपन, okay, 95%. कॉपर इज 4%, 0.5% इज मैग्नीशियम एंड 0.5% इज मैगनीज. तो इसमें काफ़ी सारे मेटल्स अपन यूज़ कर रहे थे. मोस्ट ऑफ इट इज़ बेसिकली एल्यूमिनियम ऑब्वियसली, कॉपर थोड़ा है, मैग्नीशियम और मैगनीज. ओके, तो ये जो है एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में यूज़ करता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रांग मटेरियल. ओके, ये जो अलॉय है दिस इज़ वेरी स्ट्रांग, इट्स वेरी टफ. And that is the reason why it is used in making aeroplane and automobile parts. Okay? So obviously, ये जो दो है, these are the most important ones. You can read about the next couple of, I'm not going to go over these. अगर तुमको देखना है तो you can just look at it, pause the video and read the rest, the couple of these arguments. इसके अलावा भी काफ़ी सारे aluminium के alloys है. Obviously, there are so many of this materials and datas, कितना याद रखेंगे, isn't it? तो जो सबसे important है, that is magnesium and duralumin. Okay, ये दो तुम properly ध्यान में रखो, बाकी it's up to you.